ये है नॉर्मल जिगल और ये है खतरनाक वाला अनबीटेबल जिगल। तो चॉइस इज योर्स। हेलो गाइस, दिस इज मैनिक्स एंड आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले एक नए जिगल के बारे में जो कि मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया। इस वीडियो में अपन वही बात करने वाले। डेमो तो आपने देख लिया जिगल का एंड इसको कैसे परफॉर्म करना है ये बताने वाला हूँ मैं आगे। लास्ट तक देखना है वीडियो को, जरूर से कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बढ़ते वीडियो की तरफ, तो आ जाओ। यार गाइस, ये जो नया जिगल है इसको अपन कंपेयर करते हैं अपने पास जो ऑलरेडी 3 जिगल्स है उनके साथ। वो कौन से आपको डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग जिगल, इसका क्या सीन है ये आप अपने दिल से पूछो कि आपने इसको कितनी बार ट्रेस किया है। सामने वाले ने ऐसा जिगल देने के बाद आप कितनी बार जीते हो, 90% आप इसको ट्रेस कर पाते हो, तो सामने वाला क्यों नहीं ट्रेस कर पाएगा अगर आप ये जिगल करते हो उसके सामने। तो सेकेंड टाइप है फास्ट जिगल, मतलब क्या इसमें क्या होता है, एक जोन बन जाता है। अगर सामने वाला जो है एनिमी, आपका एनिमी, उसने अगर आप फास्ट जिगल कर रहे हो और उसने वो जोन के अंदर सिर्फ क्रॉसर रखा, ट्रेस नहीं किया सिर्फ रखा, तो भी आपके जिगल करते समय आप उसके क्रॉसर से जाओगे, उसको उस क्रॉसर को काटते हुए जाओगे, बुलेट अपने आप को चिपकाते हुए जाओगे। तो ये नहीं करना है आपको, इससे आप खुद ही मरोगे। ये नहीं करना है। थर्ड पार्ट है अपना कौन सा, वन साइड जिगल, सबसे खतरनाक एंड सबसे इफेक्टिव। ये आप हर बार कर सकते हो क्योंकि बहुत खतरनाक होता है, ये तभी ट्रेस होता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो बाकी किसी को भी ये ट्रेस नहीं होगा क्योंकि ये खतरनाक ही चीज़ है, तो आप समझ सकते हो। और अपना लास्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बात करते हैं अपने नए जिगल के बारे में। न्यू जिगल का पहले मैं डेमो दे देता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से एंड एनिमी पर्सपेक्टिव से, फिर आपको ले चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड दिखाता हूँ कैसे परफॉर्म करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आ जाओ। यार गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली जिगल है, सिर्फ उसमें एक स्टेप करना है दो डायरेक्शन में, तो आपका नया जिगल बन जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉर्मल जिगल देना है, फिर राइट आना है, देन लेफ्ट आके तुरंत राइट आना है एंड अगेन आपका नॉर्मल जिगल होगा। ये एक जिगल है, एक पैटर्न है जिगल का। ये हो गया एक डायरेक्शन में, सेम आप लेफ्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हो, जैसे कि स्टार्टिंग में नॉर्मल जिगल, उसके बाद लेफ्ट आके राइट जाके तुरंत लेफ्ट आने का, मतलब ये जो 3 स्टेप है लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये फास्ट होनी चाहिए और अगेन आपका नॉर्मल जिगल होगा। तो ये खतरनाक होने वाला है, इसका मैं एनिमी पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ अभी आपको।